वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोविड के इस समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे वख-वख जगह ते कोविड कैंप स्थापित करके मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है, उत्थे इस समय समय से वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं ता जो लोड़वंद फ्री वैक्सीनेशन प्राप्त कर सकन। वैक्सीनेट होने वास्ते साढ़े नाल इत्थे लड़कियां भी मौजूद ने जिहड़ियां के बैठियां होईयां ने ते अपनी वारी दी उड़ीक कर रहीयां ने। कित्थों आए हो तुसीं? अमृतसर तों। इह जिहड़ा उपराला बहुत सारे जिहड़े नहीं लगवा पा रहे उहनां लई बहुत ही हैल्पफुल है ते वधिया लग रहा है। अज दरबार साहब की एंट्रेंस से कोविशील्ड के इंजैक्शन जिहड़े करोना के बारे लग रहे हैं, सानू सब ने वह इंजैक्शन लगवाने चाहिए हैं। संगतां नूं अपील है कि वध तों वध इहदा लाहा लिया जाए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखते हुए सानू अगे वध के ये टीके लगवाने चाहिए हैं। माणयोग प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और साडे गुरु रामदास यूनिवर्सिटी की टीम वालों ये तीसरा जिहड़ा कोविड महामारी का जिहड़ा संसार नू खा लिया जिस महामारी ने उन्नू बचाउण वास्ते इको एक बचा ते राहत जिहड़ी मिलदी है वह इस इंजैक्शन तो वैक्सीनेशन तो ही मिल रही है। और साडा ये तीसरा कैंप है, पहला कैंप प्रधान साहब ने आप आके उद्घाटन किया सीगा, दूसरा कैंप भी, ये तीसरा कैंप जिहड़ा है परसों रोज़ तो 26 तरीक तो शुरू हो के ये 5 दिन का कैंप है जिहदे विच लोगों नू हज़ारां लोगों नू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो दरबार साहब के प्रबंधकों वालों ये राहत दी जा रही है कि वो इस महामारी तो बचण लई जिहड़ा कोविड वैक्सीन लगाउण। इत्थे करीब असी हुण तक 5,000 तो वध बत्ते नूं जिहड़ा आ वो वैक्सीनेट कर चुके हैं, पहली डोज़, दूसरी डोज़, सारियां डोजेज जिहड़ियां ने वो इत्थे हुण जिहड़ा 31 तक वो लग रही ने। हुण हो रही वख-वख मेडिकल रिसर्च के अनुसार भी जे असी कोविड की तीसरी वेव नूं रोकना है तो सानू सारयां नूं वैक्सीनेटर जरूर होना पएगा। इस दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लगाए गए इन्हां वैक्सीनेशन कैंपां का सानू लाभ प्राप्त करना चाहिए है।